हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में कीवी फ्रूट खाना चाहिए या नहीं, और प्रेगनेंसी में कीवी खाने से आपको और आपके पेट में पल रहे शिशु को क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, यदि रिसर्च की माने तो प्रेगनेंसी में कीवी फ्रूट खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि कीवी फ्रूट में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए और आपके पेट में पल रहे बच्चे के विकास के लिए। के अलावा कीवी फ्रूट में फैट और शुगर की मात्रा कम होती है। कीवी एक बहुत ही बेहतरीन सुपर फ्रूट है। यदि पोषण की बात करें तो इसमें विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, फोलेट, फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा कीवी फ्रूट में कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। यदि प्रेगनेंसी में कीवी फ्रूट खाने के फायदों की बात करें तो सबसे पहला फायदा होता है कि कीवी फ्रूट में अच्छी मात्रा में फोलेट पाया जाता है जो कि आपके पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फोलेट की आवश्यकता बच्चे के जनन अंगों के विकास के लिए भी होती है। यदि प्रेगनेंसी में फोलेट की कमी हो जाए तो इसके कारण मिसकैरेज होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान एक कीवी फ्रूट खाकर आप अपने शरीर की फोलेट की जरूरत को पूरा कर सकती हैं। कीवी फ्रूट में पाया जाने वाला विटामिन सी तंत्रिका तंत्र को सही रखने में मदद करता है। यह आपके शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह आपके और आपके बच्चे के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की समस्या होना बहुत ही आम बात होती है। कीवी फ्रूट में चूंकि कम शुगर पाई जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कीवी फ्रूट का सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। कीवी फ्रूट में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिसके कारण प्रेगनेंसी में होने वाली कब्ज को रोका जा सकता है। साथ ही कीवी फ्रूट का फाइबर आपके पेट की सेहत को भी अच्छा रखने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में खून की कमी यानी अनीमिया की समस्या होना एक बहुत ही आम बात होती है। कीवी फ्रूट में पाया जाने वाला आयरन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है जिससे आपकी अनीमिया की शिकायत दूर होती है। कीवी फ्रूट में पाया जाने वाला कैल्शियम आपके बच्चे के दांत, दिल, मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ कीवी फ्रूट की एक अच्छी बात है कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे आपके बच्चे के अंगों का विकास अच्छे से हो पाता है। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग या डिप्रेशन की समस्या होना एक आम बात होती है। इसके कारण आप कमजोर रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होना, डिप्रेशन की समस्या होना आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल सही ना होने के कारण होती है। रोजाना कीवी फ्रूट खाने से आप अपने शरीर में हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस में रख सकते हैं, संतुलन में रख सकते हैं जिससे आपको बार बार मूड स्विंग या डिप्रेशन होने की समस्या नहीं हो पाती। प्रेगनेंसी में कीवी फ्रूट खाने का एक और फायदा यह है कि कीवी फ्रूट में बहुत कम मात्रा में कैलोरीज पाई जाती हैं जिससे आपको वेट गेन होने या वजन बढ़ने की शिकायत नहीं रहती। कीवी फ्रूट का प्रेगनेंसी में सेवन करने से पहले एक बात हम बताना चाहेंगे कि हमेशा अच्छी तरह से पके हुए कीवी फ्रूट का सेवन करें, कच्चे कीवी फ्रूट का सेवन कभी मत करें। इसके अलावा कीवी फ्रूट का सेवन करते समय प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं या आपका पेट खराब होता है तो ऐसे में डॉक्टर से पूछकर ही कीवी फ्रूट का सेवन करें। रोजाना एक छोटी कीवी फ्रूट का सेवन करना प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए काफी होता है। यदि कीवी फ्रूट बड़ा है तो उसकी आप एक स्लाइस ले सकते हैं या आधा कीवी फ्रूट खा सकते हैं। बेहतर होगा कि कीवी फ्रूट के साइड इफेक्ट या नुकसान से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही कीवी फ्रूट का सेवन करें। खासकर यदि आप किसी दूसरी दवा का सेवन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से पूछकर ही इस फ्रूट का सेवन किया जाए। कुल मिलाकर कीवी फ्रूट खाने के प्रेगनेंसी के दौरान काफी फायदे होते हैं, इसलिए अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए और अपने बेबी के विकास को अच्छा बनाने के लिए आप कीवी फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।